फ्रेंड्स देखो, फैम पे में हम लोग का जो यूपीआई है उसको मैं आपके सामने लेके दिखाऊंगा कि आप लोग अपने यूपीआई जो हमारे पास रहता है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है मेरा यूपीआई जिसमें हमारा मोबाइल नंबर दिया है और आगे @fam लगा दिया है, तो इसको आप चेंज कैसे कर सकते हो। और इसका देखो बहुत ही आसान तरीका था, मैं बहुत दिन से लेने का सोच रहा था, जो कि मैं फाइनली मैं सोचा कि यार आप लोग को भी बता दूं, और इसलिए मैं इसका एक वीडियो लेके आ चुका हूँ। और इस वीडियो को आप लोग देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप लोग किस तरह से आप अपने फैम पे के लिए यूपीआई को क्रिएट कर सकते हो, बिल्कुल नया परचेस कर सकते हो। 29 रुपीज का चार्ज है, मैं सब कुछ आपके सामने करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आप बैलेंस देख सकते हो, मेरे पास अभी लगभग 100 रुपए का बैलेंस है हमारे पास। अब ये 100 रुपए से मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से हमें वर्क करना है। तो उसके लिए देखो हम लोग नीचे के साइड आएंगे और यहाँ पर देखना आपको एक ऑप्शन मिलेगा फोर यू का। तो फोर यू में आप आओगे तो देखना यहाँ पर आपको इसको स्लाइड करना है। स्लाइड करोगे तो देखना यहीं पर आपको ऑप्शन मिलेगा यूपीआई का, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब ये जो यूपीआई है, अब आपको लेने के लिए बाय नाउ पे आपको क्लिक करना है। बाय नाउ पे आप जैसे क्लिक करते हो, उसके बाद देखना आपके सामने इस तरह का पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरह का आपके सामने मतलब बताया गया है कि आप इस तरह का नाम वगैरह आप यूज कर सकते हो। बाकी देखो ऊपर हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। अब देखो यहाँ पे एड अनदर यूपीआई आईडी पे जाना है। अब इस पे जाने के बाद यहाँ पर आपको अब यूपीआई चूज करना है। अब आप कहोगे कि यार भाई हम लोग यहाँ पे कोई भी वीआईपी नंबर कुछ भी रख के अपना नंबर वो वगैरह ले सकते हैं, तो देखो आप लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन देखो आपका जो नाम है आप उसी नाम के अकॉर्डिंग रखोगे तो ये आपको लेने में आसान पड़ेगा। जैसे मैं देखो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 3 बार 7 और 5 बार 7 और 5 बार 8। तो देखो यहाँ पर बोला जा रहा है कि यू कैन ओनली यूज योर ऑन मोबाइल नंबर, मतलब हम किसी और का मोबाइल नंबर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि किसी और का मोबाइल नंबर यूज करेंगे तो उसके पास पैसा चला जाएगा। तो मैं यहाँ पर सिंपली से अपने नाम के अकॉर्डिंग लेना चाहता हूँ। अच्छा मैं एक चीज और बता दूँ कि अगर मैं किसी और नाम से लेना चाहूंगा तो देखो यहाँ पर हमारे पास नहीं लिया जाता है। तो ये जो है सिमिलर आपके नाम से होना चाहिए, तभी यहाँ से आप ले सकते हो। तो देखो अब यहाँ पर देखो बोला जा रहा है, जो कुछ गलतियां हैं मैं आपको गलतियां बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। तो देखो यहाँ पर मैं इस नाम से ले रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देखना यहाँ पर लिखा जाएगा आपके सामने देखो फर्स्ट एंड लास्ट नेम। अब यूपीआई जैसे हमने जो अपना आधार कार्ड दे रखा है, अब आधार कार्ड में जो हमारे पास यहाँ पर जो हमारा नाम है उसी नाम के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे करेंगे तो सही रहेगा। तो इस हिसाब से अभी देखो जो मेरा नाम है वी नितेश वर्मा है, तो देखो उस हिसाब से मैं यहाँ पे वी नितेश के नाम से लेना चाहता हूँ। तो देखो वी नितेश @fam को मैं लेता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा जा रहा है दिस यूपीआई आईडी इज अवेलेबल। अब अवेलेबल है तो यहाँ पर बस आपको इस मार्क पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा गया है कि क्लेम नाउ। इसको हमको करने के लिए देखो प्लेटफॉर्म फीस 29 रुपीज चार्ज किया जाएगा ईयर, मतलब हर एक साल, मतलब जैसे आज हमारा 15 मई है तो 15 मई 2024 है, तो अगले साल 15 मई 2025 को मुझे इसको वापस से अगर लेना होगा तो मुझे 29 रुपये पे करना पड़ेगा, या हो सकता है अगले साल इसका कोई रेट से बढ़ जाए। तो क्लेम नाउ करने के लिए सिंपली से हम क्लेम नाउ पे जाते हैं, पेमेंट पे जाते हैं और मैं यहाँ पे सिंपली सा पेमेंट कर देता हूँ। तो पेमेंट करने के बाद देखना यहाँ से हमारे पास कुछ इस तरह का ऑप्शन किस तरह का क्या है। अब मैं भी पहली बार ले रहा हूँ तो उस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि यूपीआई हमारे पास आने में कितना टाइम लगता है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास लगभग हमने ले लिया है। अब लेने के बाद देखो हम लोग यहाँ पे कट करते हैं। कट करने के बाद देखो यहाँ पर हमारा यार भाई लोग फाइनली हमारा जो यहाँ पर है यूपीआई हमारे पास आ चुका है। अब कुछ इस तरह से हमारे पास यूपीआई आना आ चुका है। अब यूपीआई आने के बाद देखो यहाँ पर बस हम लोग को क्या करना है, गॉट इट पे आपको क्लिक करना है। गॉट इट वाले पे हम क्लिक करते हैं और ये देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास 2 यूपीआई है, हम दोनों यूपीआई में से किसी को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। अब मुझे इसको रखना है, तो इसको रखने के बाद देखो यहाँ पर हम लोग आते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा यूपीआई यहाँ पे आ चुका है। अब इसको मुझे चेक करना कि हमारा ये जो यूपीआई वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसके लिए मैं ये काम करता हूँ, अपने पेटीएम ऐप में आता हूँ और पेटीएम ऐप में आने के बाद यहाँ से हम लोग मोबाइल नंबर पे जाते हैं और मोबाइल नंबर पे जाने के बाद मैं यहाँ से सिंपली से अपना जो यूपीआई जो मैंने अभी बनाया था उसको मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ। तो सर्च करने के बाद देख सकते हैं वी नितेश @fam हमने सर्च किया है और सर्च करने में यहाँ पर देखो बेसिक डिटेल आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, नेट का इशू चल रहा है मेरा। हाँ तो देखो यार फाइनली हमारा जो देखो नाम आ चुका है नितेश वर्मा फैम पे का जो मैंने रखा था, और यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पे जो भी पेमेंट करूंगा तो वो पेमेंट मेरे फैम पे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरह से फाइनली हम लोग ने अपना यूपीआई को न्यू यूपीआई को ले चुके हैं। और बाकी देखो कोई डाउट होता है कहीं पे आपका पैसा वगैरह फंस जाता है तो आप लोग नीचे देखो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर आप टेलीग्राम पे जा सकते हो और जाके ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर मैं बहुत तरह के ऑफर्स आप लोग को देते रहता हूँ जिसकी वजह से आप लोग काफी अच्छा खासा यहाँ से आप इनकम कर पाओगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बाकी की बात करेंगे अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में।